Welcome back to my channel. तो चलिए part 4 start करते हैं मैं selfish love का. तो जैसे हमने देखा था कि जो जीव ने उसे पूछा था जेमिन से कि तुमने medicine खाई, तो जेमिन बोलते हैं yes यूं मैंने खा ली. तो फिर कहते कि ना अच्छा मैंने तुम्हें देखा था तो पहले ज़्यादा लिपिंग नहीं कर रहे थे, तो बाद में तुम्हें इतना बुरे तरीके से क्यों चल रहे थे. तो फिर ना जो जेमिन होता है वो ना सर नीचे करते हुए कहते कि ना जब मैं चेयर से उठने लगा था तो मेरे नी पे लग गया था, जिसकी वजह से मुझसे सही से नहीं चला जा रहा था. तो फिर ना जो ये वो था उसको तो आइडिया हो गया था कि उसके हस्बैंड ने ना क्यों मारा है जीवन को. तो वह गहरी सांस लेते थे और उसको आइडिया हो जाता कि ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट वो इसको क्लियर नहीं करता. मीन्स वो जाके ना शुगर को नहीं बताता, मीन्स वो वहाँ से ना चले जाते जिमिन को कह के ना तुम जाके रेस्ट करो. और आके ना वो ये बात है ना शुगर को नहीं बताता, और शुगर उसकी के रूम में था और उसको नहीं बताता कि ना तुमने उसको फालतू में किया. तो यहाँ पे ना वो सेल्फिश बन रहा है जॉब, मीन्स ये आगे जाके ना थोड़ा आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाले, बहुत 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 ज़्यादा. मीन्स आपको ना सबसे गुस्सा ना जॉब और योंगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बट एंड में हर चीज़ अच्छी हो जाएगी. और स्पेशली इतना गुस्सा आपको जॉब और योंगी पर नहीं आएगा जितना मिसेज मिन पर आएगा. तो चलिए अब आगे का स्टार्ट करते हैं. तो ऐसे वो जैसे मीन्स फर्स्ट डे गुजरता है, और फिर उसके बाद ना जो मिसेज मिन होती वो देख रही होती कि ना जिमिन सारे करके काम कर रहे हैं. तो फिर ना और फिर ना वो कुछ बोलने वाली थी, तो देखती हैं कि ना जो जॉब है वो भी ना उसकी हेल्प करा रहा है, तो वो चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है. और ना बस दोनों को ना एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है. और जो योंगी था वो तो गया था ऑफिस अपने. और फिर जब नाइट के टाइम आते हैं तो फिर ना जो आते हैं घर, तो ना वहाँ फूड ऑलरेडी कुक हुआ हुआ था, और वहाँ पे ना जो बैठा हुआ था इंतज़ार कर रहा था योंगी का, और वहाँ पे ना मिसेज मिन नहीं थी और जो जीवन था वो भी नहीं था. तो फिर ना जो योंगी होता है वो जॉब के पास आता है, और उसके ना फोरहेड पे और उसके ना लिपस्टिक क्यूट सा ना बहुत प्यारा सा सॉफ्टली पैक करता है. तो है ना जॉब स्माइल कहता है, और फिर ना उसको साथ बैठ जाता है जॉब के साथ योंगी बैठ जाता है. और कुछ टाइम आज जो वहाँ पे ना वो भी आता है, जीवन भी आता है, और फिर कहते हैं कि ना ओ आप आ गए, वो इधर बोलते हैं. फिर ना ग्रीट करते हैं और स्माइल करते हैं. तो फिर ना जो योंगी था उसको फुली इग्नोर करता है, उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है जिमिन को. तो फिर वो कुछ बोलता नहीं, और फिर ना किचन में चल जाता है और ना सारे फूड को ना प्रिपेयर करके ना ले आता है, मीन्स जो चीज़ें रह गई थी तो उनको सर्व कर देता है. और उसके बाद ना जो जो जेब होता है वो और योंगी ये सारे खाने लग जाते हैं. और ना उस टाइम पर ना जी पूछते कि नहीं योंगी तुम्हारा डे कैसा गया. तो फिर ना बहुत ना स्मॉली आंसर देता है योंगी, बहुत अच्छा गया मेरा डे, उससे बोलते हैं और कहते हैं तुम्हारा. तो फिर ना जो जो पता वो अभी स्माइल करते हैं, कहते हैं कि मेरा भी बहुत अच्छा गया. और अब जिमिन को होता है कि ना शायद उसका हस्बैंड उससे भी पूछेगा कि उसका कैसे गया, उसका डे कैसे गया. बट जो जब बट योगी जिमिन से कुछ नहीं पूछता. हाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मीन्स उसको कुछ नहीं पूछता. तो फिर ना जिमिन बिल्कुल साइलेंट बैठे रहे थे, उसके बाद ना अपना फूड खा रहा था, बट उससे अपने खाने के अंदर स्टेमिना नहीं था, वो बस हो जाती है उसका ना बिल्कुल मूड खराब हो जाता है. तो वहाँ से ना वो चला जाता उठ के, और जो जब होता है उसको ना देखता है और ना फिर चुप कर जाता है और कुछ बोलता भी नहीं. और जो योंगी होता है वो ना फिर अपना फूड खा रहा होता है, तो ना जियो की तरफ देखते कि ना जियो कुछ खा नहीं रहा बल्कि कुछ सोच रहा है. तो वो अपना ना प्लेट में से एक स्पून ना फिल करता है फूड का, और ना जियो के आगे ले जाता है. और जो जियो होता है वो ना योंगी की तरफ देखने लगता है और कहते खा इसे भी क्या हो गया. तो फिर ना जो जो बोलते हो कहते कुछ नहीं, वो इस तरह बोलते हो. फिर ना माउथ ओपन कर लेते हैं, और फिर ना दोनों ऐसे लबी डबी होके ना अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. और उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ना जो जीवन था वो ना अपने रूम में बैठा था, उसके आई से ना टीयर्स फॉल हो रहे थे, और वो सीलिंग की तरफ देख रहा था. उसी टाइम में ना एक बिल्कुल ना आवाज़ के साथ, बहुत जोर की आवाज़ के साथ ना डोर ओपन होता है, और वहाँ पर ना जोंगी खड़ा होता.
तो ना जो जीवन तो जैसे ही होंगे क्या देखते तो फौरन उठ के बैठ जाते और फिर कहते कि ना आप यहाँ वो संभलते और फिर ना जो जूंगे तो वो बस उसी तरफ बहुत गुस्से से देखता है और ना उसको फुल्ली जो जमीन था वो तो खड़ा हो गया था। तो फिर ना उसकी नेक को पकड़ के ना बिल्कुल उसको ना वॉल पे पुश कर देता है जिसकी वजह से बहुत जोर से लगती है और ना जीव उसकी तरफ दिखने लगा था यूंगी की तरफ। और जो यूंगी था वो फौरन ही ना एक झटके से उसने ना वो पहने थे नाइट ही पहने थे तो वो बहुत आराम से ना उनको उतार लेता है और ना उसकी शर्ट को बिल्कुल फाड़ देता है और उसकी ना बॉडी की तरफ दिखने लगता है और ना बिल्कुल उसको ना उल्टा देता है और ना उसके चेस्ट को ना बहुत ज्यादा ना प्रेस कर रहा था बॉल के अंदर और जिसने ना जमीन को बहुत ज्यादा पेन हुआ था। और ना कह रहा था कि ना आप क्या कर रहे हो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है रुक जाओ। तो फिर ना जो जमीन यूंगी होता है वो ना उसके स्विमिंग सुन के कहते कि ना और क्या मैं ये तुम्हें किस लिए कर रहा हूँ तुम्हें प्लेशर देने के लिए। हाँ मैं भी ये चाहता हूँ तुम्हें पेन मिले। क्यों आए हो मेरी लाइफ में हर चीज़ को बर्बाद कर दिया तुमने। हाँ क्यों आए हो तुम्हें तो अब इस चीज़ की ट्रिक्ट होगा इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलता और उसके ना बिल्कुल ट्राउजर्स को भी उतार देता और अपने भी सिर्फ और सिर्फ ट्राउजर्स उतारता है जिविन को फुली नेकेड करता है अपने सिर्फ ट्राउजर्स को उतारता है और अपने जिविन के साथ ना वहीं पे ना सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। और जिविन था उसके अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था एक तो उसने फुल डे काम किया था उसकी इतनी ज़्यादा ना वो लो फील कर रहा था और खाना भी उसने सुबह भी सही सही खाया था और अभी भी और कल भी उसको बहुत ज़्यादा वेट किया था योगी ने और काफ़ी ज़्यादा ना राउंड्स लेने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक फील करते। तो वो ना फर्स्ट राउंड के बाद जोर से एकदम के साथ ना बिल्कुल उस पर फ्लोर पे गिर जाता है ऐसे नेकेडे और ना जो यूंगे तो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और फिर कहते कहते अगर मेरे से फोर्स ना किया गया ना तो कभी मैं तुम्हारे पास आता भी ना ये सोचता और फिर ना बहुत ज़्यादा गुस्से से ना वहाँ से चला जाता है और ना अपने क्लोथ्स को अपने ट्राउजर्स को वापस पहन के ना वहाँ से चला जाता है और जो के रूम में आता है जो को तो वो ना यूंगी की तरफ देख रहा होता है और कल की तरह ना आज क्राई नहीं कर रहा था बिकॉज अब उसको पता चल गया था कि यूंगी ना उसके साथ अच्छे से नहीं रह रहा और वो उसको टाइम नहीं देना चाहता ज़बरदस्त फोर्स किया जा रहा है तो वो सिर्फ अपनी ना ड्यूटी एक तरह से निभा रहा है। उसके अलावा वो सिर्फ जीव से प्यार करता है तो इस वजह से ना वो रो नहीं रहा था और वहाँ पे ना यूंगी आता है और फिर ना जीव के ना उस पर पैक करते हैं ना हल्का सा ना चेक पे और फिर ना वहाँ से ना वॉशरूम में चले जाता है और फिर ना बिल्कुल ना शावर लेके आता है नाइट सूट पहन के और ऑलरेडी ना जीव बोल ना नाइट सूट पहन के बैठा होता है तो फिर उसके पास आता है बेड पे और फिर ना दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट किस करते हैं और किस करते करते ना दोनों का मेकआउट सेशन स्टार्ट होता है लव मेकिंग नहीं सिर्फ मेकआउट सेशन स्टार्ट होते हैं दोनों एक दूसरे को ना किस कर रहे होते काफ़ी ज़्यादा और ना यूंगी उसको टच किया था तो फिर ना जो जीव बोलता वो ना कहते हैं ना बस मैं थका हूँ प्लीज़ यूंगी आज नहीं। तो फिर ना जो यूंगी था उस पल कहते कहते कहता हूँ कि बेबी एज यू विश तुम्हारी हर विश को मैं पूरा करूँगा कोई मसला नहीं वे बोलते हैं और फिर ना वो ना दोनों कडल करके ना सो जाते हैं। और इधर जो जमीन वो ना बहुत ज़्यादा ना अनकॉन्शियस हुआ होता तो नींद में बहुत काफ़ी ज़्यादा ना चला था उसको ना नाइटमेयर टाइप आ रहा था उसका ये एक्चुअल में नाइटमेयर बन गया था एक ही दिन में कि ना जो 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 योगी ने उसके साथ किया था। तो ना वो बस ना ऐसे पेट में ना हल्का सा करा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो नींद में ही था। और यहाँ पे ये वाला पाठ ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय।